रिसेंटली बहुत सारे लोगों को इस तरीके के मैसेजेस मिले जहाँ पर लिखा हुआ था अटेंशन टैक्सपेयर का नाम और बताया गया था हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हुई है आपके केस में, यानी कि आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन की है और इसके इनलाइन आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, या फिर रिटर्न फाइल करी भी है तो वो मैच नहीं हो रही है। तो वेल, आज इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एवरीवन, दिस इज नेहा गुप्ता, वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल। आई होप आप सब लोग फिट होंगे, अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे एंड आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा एक तरह में छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और काम करने का। वेल, जैसा कि मैंने आपको बताया, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मैसेज गए हैं बहुत सारे लोगों को और तब से कॉन्टीन्यूसली हम लोगों के पास ईमेल मैसेजेस कॉल्स आ जा रहे हैं एंड एनी हाउ हमारे लिए भी मुश्किल हो रहा है सबको रिप्लाई करना, बट स्टिल वी आर डूइंग सो। सो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो ही बना दिया जिससे कि एसएससी एट लार्ज इसका बेनिफिट ले सके। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि दो चीज़ें प्लीज़ अवॉइड करना इस वीडियो के अंदर। एक, मेरा ख़राब गला, आई एम नॉट फिट एज ऑफ नाउ, एंड सेकेंडली इस वीडियो में माइक की यूसेज, माइक की प्रॉब्लम रह सकती है, तो प्लीज़ उसको भी थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। वीडियो इंपॉर्टेंट थी तो उससे ज़्यादा डिले किए बिना हमने सोचा क्यों ना इस वीडियो को जल्द से जल्दी शूट करके जल्द से जल्दी लाइव लाया जाए। स्क्रीन के यूज़ के थ्रू आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर आपको भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का मैसेज मिला है तो आपको क्या करना है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मैसेजेस मिलने के कुछ पर्टिकुलर रीज़न हैं। सबसे पहला रीज़न, या तो आपने रिटर्न नहीं फाइल करी और आपके AIS में डिपार्टमेंट ने देखा डेटा था, आपने रिटर्न फाइल नहीं करी तो आपके पास मैसेज आया और वो हाई वैल्यू में था। सेकेंडली, आपने रिटर्न तो फाइल करी बट अपना AIS नहीं देखा, बहुत सारी चीज़ें कंसिडर नहीं करी तो इसलिए आपके पास ये मैसेज आया। या फिर ऐसा भी हो सकता है आपने रिटर्न भी ठीक फाइल करी है बट स्टिल आपके पास ये मैसेज आया है। तीनों ही कंडीशन को आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं विद द यूज ऑफ द स्क्रीन। तो चलिए सीधा चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट लॉग इन करनी है। एंड देन आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करना है। सबसे पहले तो आपको पेंडिंग एक्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से आपको कंप्लायंस पोर्टल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको सेकंड टैब ई कैंपेन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको एक मैसेज आया हुआ है, इस मैसेज पे क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे फीडबैक पेंडिंग, फीडबैक ऑन इम्पोर्टेंट और AIS पे क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि किस ट्रांजेक्शन का नंबर आप देख सकते हैं, बिन का यहाँ पे मैसेज नंबर है आपके पास कि कौन सा पेंडिंग है। सेम यहाँ इसके बाद आपको AIS पे जाना है। AIS पे जाने के लिए आपको बिल्कुल बाहर आके अपने पोर्टल पे वापस आना है, AIS पे क्लिक करना है, प्रोसीड क्लिक करना है। देन AIS जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे प्रोवाइड फीडबैक इन AIS का टैब ओपन हो जाएगा, इससे आप सीधा AIS पे जा पाएंगे। यहाँ पे आपको सीधा AIS पे आना है और इस तरीके का ई साइन आपको दिखेगा, इस ई साइन को आपको देखना है, इट मींस एक्सपेक्टेड रिस्पांस, इसी एरो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जहाँ पे फीडबैक एक्सपेक्टेड है रेड ऑरेंज कलर में, एक्सपेक्टेड पे क्लिक करना है और आपको अपना फीडबैक चेक करना है। इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट, इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुल्ली करेक्ट, इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन, इन्फॉर्मेशन इज डुप्लीकेट, इन्फॉर्मेशन इज डिनाइड, और या फिर अगर ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेचर है तो प्रॉपर्टी का, या फिर कोई और चीज़ है क्रेडिट कार्ड रिलेटेड क्रेडिट कार्ड का, जो भी होगा यहाँ से आपको चेक करना है। अब जैसे ही मैंने चेक किया इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट फुली करेक्ट तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि कैसे मैं यहाँ पे डिटेल्स को एडिट कर सकती हूँ। वेल, इसी तरीके से आपको चूज़ करना है। और अगर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अदर पैन ईयर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो भी पिक कर सकते हो, करेक्ट पैन या फिर करेक्ट अमाउंट भी आप डाल सकते हो। डिपार्टमेंट आपको पूरा सपोर्ट कर रहा है कि किस तरीके से आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं और डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर सकते हैं अगर गलत पैन या गलत चीज़ें रिपोर्ट हुई है तो उसको सही पैन या सही तरीके से रिपोर्ट करने में। मेरे अकॉर्डिंग एक अच्छा स्टेप है, डिपार्टमेंट ने इतनी सारी चीज़ों को इसमें एड ऑन किया है इस बार
होता ये हर साल है, हाइब्रिड ट्रांजेक्शन पिछले साल भी हुआ, उससे पिछले साल भी हुआ, इस साल भी हो रहा है, बट इस बार काफ़ी बदलाव हम लोगों ने देखा है, इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप या तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, नंबर है 8375831676। एंड ऑल्सो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के मैसेज से डरना नहीं है, सिंपल सा डिपार्टमेंट आपसे फीडबैक मांग रहा है, फीडबैक दीजिए, रिटर्न फाइल नहीं करिए रिटर्न फाइल कीजिए, रिटर्न रिवाइज करने की जरूरत है रिटर्न रिवाइज कीजिए, बट डरिए नहीं, डिपार्टमेंट कोई ऑर्डर पास नहीं कर रहा है, जस्ट आपको एक इंटीमेट कर रहा है। सो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।